अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुए 4 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन वोटों की गिनती जारी है और ये भी तस्वीर साफ नहीं हो रही है कि आखिर अगला राष्ट्रपति होगा कौन। दोनों उम्मीदवार लगातार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच अब डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने जीत का दावा कर दिया है, तो क्या कुछ है फिलहाल चुनाव का हाल, ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 3 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है और लगातार हो रही वोटों की गिनती के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन पेंच अभी भी फंसा हुआ है। इसी कड़ी में एक बार फिर जो बाइडेन ने कहा कि हमें 7 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं, जो अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को मिले वोटों से ज्यादा है। बता दें कि व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट में से 270 वोट हासिल करना जरूरी है। फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक बाइडेन को 264 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले हैं, जबकि ट्रंप को 214 मिले हैं। कल तक जहां 4 मुख्य राज्यों पर राष्ट्रपति का भविष्य टिका हुआ था, तो उनमें से 3 राज्यों एरिजोना, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में जो बाइडेन ट्रंप पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसी बीच बाइडेन ने कहा कि हम 24 सालों बाद एरिजोना और 28 साल बाद जॉर्जिया जीतने जा रहे हैं। बता दें कि बाइडेन पेंसिल्वेनिया में 20,000 से ज्यादा और जॉर्जिया में 1500 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप भी लगाया है। तो अमेरिका की राष्ट्रपति पद की तस्वीर कब तक साफ होगी, इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।